हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज संडे ब्लॉग है और हमारे ब्लॉग में आपका प्यारा सा गुड मॉर्निंग बहुत सारा स्वागत है। चलिए, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और संडे ब्लॉग है तो देख सकते हो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठंडी का कपड़ा जितना है ना उतना धो रहे हैं, कपड़ा छत पे धो करके डालेंगे और मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे, मोटर चला देते हैं। निर्मा ले लिया तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर, मोटर चला रहे हैं, वहाँ पहुंच जाएगी तो मोटर ही कर देंगे। और ये देखो यहाँ पे है, आज काम करने वाले नहीं आए हैं, इसको सब धो धा करके रख देते हैं और जो कपड़ा होगा सो वॉशिंग मशीन में धो लेंगे। और ये देख सकते हो पूरा गाय भी तो ना ठंडी वाली कपड़ा धो करके मैं रख दूंगी घर में बॉक्स में ताकि अच्छा होगा और मुझे भी चल रहा है। और देख सकते हो हमारी आंखें में काफ़ी नींद आ रही है और पूरा हमारी जुखाम टाइप से हो गया। कल मैं रात में ना पंखा चला दिए थे, पूरा ही हमारा ये जुखाम हो गया है, सर्दी जैसा लग रहा है पूरा ये भरा भरा टाइप से। और पूरा देख सकते हो यहाँ पे कपड़ा लेके जा रही है, छत पे धोने में इजी होगा, मोटर चला देते हैं उसके बाद आवाज देगी वहां से, इधर से चला करके जाएंगे। निर्मा में हो जाएगा इतना में ना, मैं पहले ही धो करके रख देती, मुझे धोना नहीं था ना इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ये देख सकते हो मोटर को ऑन कर देती हूँ, यहाँ से मेरा मोटर चल गया है, मोटर में चला दी हूँ और मैं जा रही हूँ ऊपर देख सकते हो। और देख सकते हो मैं जा रही हूँ ऊपर और कपड़ा आज धोना था जैसे कि आप देख रहे हो। और ज्यादा हमारा आपका बहुत सपोर्ट की जरूरत है गाइस, मुझे सपोर्ट ज्यादा से और फाइनली ये मैं ना यहाँ पे नल लगा दी हूँ क्योंकि इसमें ना मोटर ये चलेगा, ये वाला चला सकती हैं। और ये वाला है हमारा जब काम धाम होगा ना इससे काम किया जाएगा, इसमें पाइप लगा हुआ है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा होगा कंबल होगा इसमें धोआ जाएगा। और ये देख सकते हो जल्दी जल्दी कपड़ा धोवा करके डला रहा है। और ये देखो यहाँ पे मैं रख देती हूँ ये रड, देखो ये सब कपड़ा को हटाना पड़ेगा तो जाके हमारा कपड़ा इधर डालाएगा। गुड मॉर्निंग आपको मेरे वर्ड से, तो देख सकते हो आज कपड़ा धो रहे हैं, संडे को कपड़ा धो रहे हैं, ठंडी वाली कपड़ा धो करके रख देंगे और फाइनली हमें घर जाना है। और घर जाएंगे ना तो वहाँ भी हमारा काम पड़ जाता है बहुत और काफ़ी यहाँ पे धूप है इसलिए मेरे आँख पे ना ज़्यादा धूप की रोशनी आ रही है, इसकी वजह से मेरा आँख ना बंद हो जा रहा है। और ये देखो आयांश कुछ बोलो, इधर देखो बाबू ये कुछ बोलो, आयांश गुस्सा हो गया है, आयांश की मम्मी बहुत मारी है, बहुत बदमाशी कर रहा था ना। तो ये देखो यहाँ पे धोवा करके रखा जा रहा है, एक साइड भी रख देंगे इसको, कपड़ा धो करके रखा जाएगा हमारा ये देखो। और ये देखो यहाँ का व्यू इस तरह से है, सुबह सुबह का व्यू। अभी बज रहा है, कितना बज रहा है, 9:30 बज चुका है, 9:23। तो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं कपड़ा धोने के लिए और मैं थोड़ा सा हेल्प करा देती हूँ। हे गाइस, देख सकते हो हमारा कपड़ा धोवा चुका है, इधर थोड़ा सा डाल दिए हैं और नीचे जा रहे हैं कपड़ा डाल देंगे, नीचे में जा करके ये वाले जो कपड़ा है ना नीचे में डाला जाएगा और इसमें डालेंगे ना ज़्यादा वजन लोड पड़ जाने से वो हमारा जो है ना ये घसकने लगता है, ये देखो वो वाली, तो इसमें भी आधा इसमें ज़्यादा लोड नहीं पड़ा है उसमें नहीं डाले हुए हैं तो इसमें डाला जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे में डाला जाता तो और अच्छा होता। मैं नीचे जा रही हूँ, आयाम जा रहा है नंगू पुंगू होके, तो देख सकते हैं वो जा रहे हैं नीचे में, नल को बंद कर दिए हैं, याद नहीं करते हैं आपसे। हाय गाइस, मैं नहा धोवा करके रेडी हो चुकी हूँ, हमारा कपड़ा धोवा गया है, कपड़ा पूरा धो चुके हैं और नहा धोवा करके हम लोग पूरा कंप्लीट। और हमारे पतिदेव जी नहीं नहाए हैं और क्या चीज लाए हैं, आज संडे है ना, कुछ मैंने बोला था कि मतलब अगर मुर्गा लाना होगा तो मुर्गा लाइएगा और अगर थोड़ा सा मिल जाता है मटन तो मटन लाइएगा,
तो मटन नहीं लाए, बोले कि मेरे को ये खाना है। तो ये देखो ये लाए हैं, इसको क्या बोलते हैं आप देख सकते हो, ये पचौनी। पचौनी को उबाला जा रहा है, उबाल करके इसको कट किया जाएगा और तब जा करके बनेगा ऐसे। मिक्सअप है, अच्छा ये भी है। ओ हमारे पतिदेव जी मटन भी लाए हैं, सॉरी मैं बोल रही हूँ सॉरी। तो इतना खाना पीना मेरा बन चुका है, तो देख सकते हो। और इसमें रखते हैं मटन को, रखते हैं इसमें रखा जाएगा। आजो हो गया, चलो आजो हो गया, चलो। ये देख सकते हो ये मटन बनेगा, बहुत टेस्टी बनता है। इसको रखते हैं एक साइड में, मसाला पीसो जी। देख सकते हो यहाँ प्याज कट रहा है, देख सकते हो बाबू के लग गया है, आयांस के चोट लग गया। दरी के आयांस कहाँ चोट लग लगी, कहाँ छाला के चोट लग लगा। अरे वीडियो चल रहा है यहाँ। ये देख सकते हो यहाँ आयांस के चोट लग चुका है। और ये अंजलि है ना, काट रही है प्याज लहसुन मिर्चा अदरक, ये सब काट रही है, लहसुन काट रही है, प्याज काट रही है, पतला पतला काटिए, तभी तो मिक्स होगी ना। हाय गाइस, देख सकते हो मटन बन रहा है, ऐसे मटन हमारा इस तरह से बन गया है। अब देख सकते हो मैं सामने से दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मैं मसाला डालने समय नहीं आपको दिखाई थी, और ऐसे करके मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत लाजवाब, बहुत ही यम्मी सा है। और इसमें मटन और ये है क्या बोलते हैं पचौनी वगैरह सब मिक्स कर दिए हैं, बहुत ऐसे बनाने से टेस्टी लगता है। और उस तरह से मैं आपको साफ करने के लिए नहीं दिखाई थी, बहुत इजी सी ये टेक्निक है, इजी वाले टेक्निक अपनाइएगा। और एक कभी ना कभी मैं इसका रेसिपी जरूर डालूंगी, पचौनी धोने का बहुत इजी तरीका, इतना धोआ जाता है ना, आपको कोई किचकिच किचकिच करने की जरूरत नहीं है। और क्या ही बताऊं मैं, बहुत खा के देखेंगे उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से लग रहा है हमारा पचौनी। और पचौनी और मटन एक में मिक्स कर दिए हैं, थोड़ा थोड़ा करके दिए थे, हमारे पतिदेव जी बोले कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हमने वो अपने मन पसंद से लिए हैं। तो चलो देखते हैं किस तरह से बनता है, बन जाएगा उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसा बन रहा है। और देखो गाइस इस तरह से, इतना ना देखने में इस तरह से तो कलर चेंज हो रहा है, और काफी हमारा समय लगा है इस तरह से, और 20-25 मिनट और इसको भूनेंगे। ये देखो सलाद वगैरह कटवा रहे हैं, सलाद काट रही है, और ये हमारा मटन बन गया है देख सकते हो। इधर चावल वगैरह बन गया है, दाल बन गया है, दाल में तड़का लगा रहे हैं, चलते हैं। और हम लोग खाना खा रहे हैं, ये देखो हमारा खाना कंप्लीट हो चुका है, मटन दाल चावल सैलेड, थोड़ा सा खा करके देखते हैं। बताते हैं एक नंबर, कैसा लगा दीपी? ये देखो कैसा मटन, कैसा मम्मी बनाई है। हे गाइस, वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग, मिलते हैं।